आज के सूडो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज के सूडो में मैं आप लोगों को एक और नया तरीका अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है 500 रुपए का कैशबैक, वो भी आपके हिसाब से। और दोस्तों यदि आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा कैशबैक कमाना है तो आपके पास ज्यादा अकाउंट होने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहे, क्योंकि प्रॉपर पूरा डिटेल्स के साथ आप लोगों को वीडियो बताऊंगा। वीडियो में ये जो भी टॉपिक है, जो भी पॉइंट है, उसको एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। तो इसके लिए क्या करना है, वीडियो को देखना है स्टार्ट से लेकर आखिर तक विदाउट स्किप के। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं विनोद द डिजिटल इन्फ्लुएंसर। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया जो तरीका है वो लेके अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का तरीका। तो दोस्तों दो दिन पहले मैंने आप लोगों को पेटीएम का एक ऑफर सोर्स उसका तरीका बताया था और एक नया ऑफर पेटीएम ने ऐड कर दिया है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश कर दूं, आप यदि क्रेडिट कार्ड होल्डर हो और आपने अब तक क्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों मैं बता दूं, क्रेड एप्लीकेशन इंडिया का क्रेडिट कार्ड के ऊपर रिवार्ड्स एंड कैशबैक देने वाला एप्लीकेशन है। जब आप पहला बिल इससे पे करते हो तो आपको मिलता है 250 से लेकर 1000 रुपए तक का कैशबैक। देखा कितना बढ़िया है, सिंपली आपको एक क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है और 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का पैसा कमा लेना है। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ऑफर्स, बेनिफिट, कैशबैक और आपके क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में लोन, सब कुछ आप लोगों को इस एप्लीकेशन के साथ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको साइट में देखने को मिल रहा होगा जो यहाँ पे पेटीएम का ऑफर है, और इधर के साइट में आप लोगों को मुझे जो कैशबैक मिले वो भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑफर आया है कि आप लोगों को यदि 3 बार आप क्रेडिट कार्ड से अपने, यानी 3 बार आप अपने रेंट पेमेंट कर रहे हो तो आपको मिलेगा फर्स्ट टाइम के लिए 100 रुपया, सेकंड टाइम के लिए 150 रुपया और थर्ड टाइम के लिए 250 रुपया। कुल मिला के बात करें तो 500 रुपए का आपका यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अभी यहाँ पे ऑफर में लिखा है कि आप लोगों को डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड को यूज करना है। तो आप बोलोगे कि यार आपने तो क्रेडिट कार्ड बोला और यहाँ पे डेबिट और प्रीपेड कार्ड है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपके पास जितने भी डेबिट कार्ड एप्लीकेशन है, आज आप 10 रुपए एड करके आपकी उस कार्ड में 10 रुपया या 100 रुपया एड करके आप पहले ट्राई कर लेना, ओके? क्योंकि ट्राई करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आप लोगों को बता दूं, कल बहुत ज्यादा लोगों ने इस पे अप्लाई किया है तो कुछ जो कार्ड है वो वर्क नहीं कर रहे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, यदि आपके पास पेटीएम का डेबिट कार्ड है वो पूरा वर्क कर रहा है, आप उसको यूज कर सकते हो, ओके? अदरवाइज आपके जो भी बैंक का डेबिट कार्ड है उसको भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अभी हम बात करेंगे, हम तो क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने डेबिट कार्ड बता दिया तो मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, टेंशन मत लो। यहां पे मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन का लिंक इधर साइट में दे रहा हूं, उस पर आप लोगों को आपका प्रीपेड कार्ड बनवा लेना है। 40 रुपया आपको चार्जेस लगेगा, ओके? 40 रुपए चार्जेस है, उसमें आप लोगों को एक प्रीपेड कार्ड मिल जाता है। वहां पे एड मनी करो और उस पैसे को आप यहां पे करो। लेकिन वहां भी आपको जो भी चीज आप कर रहे हो तो आपके रिस्क के ऊपर आपको करना है, क्योंकि आपको 3-4 एप्लीकेशन यूज करके आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन यदि आपको चाहिए तो आप उसे कर सकते हो। अदरवाइज पेटीएम से करो, 200 रुपए कमा लो, 100 रुपए 300 चार्जेस लगेगा। पेटीएम के जो डेबिट कार्ड है उसके थ्रू करो, 200 रुपए आपको रिटर्न आ जाएगा। और 10,000 का आप लोग क्रेडिट कार्ड से करो, जो 200 रिटर्न आया था वो वहां पे चार्जेस पे करो, समझे कुछ? यानी 10,000 रुपए आप फ्री में ट्रांसफर कर ही सकते हो जो आपका क्रेडिट कार्ड का, ओके? तो मैं कुल मिला के बात करूं, जो आप लोगों को समझे उमझे या क्या कहें, आपने क्या किया, अपने पेटीएम का जो डेबिट कार्ड है उसके थ्रू आपने रेंट पेमेंट किया, कितना? 3 बार। तो 3 बार के लिए आपको यहां पे चार्जेस लगा 300 रुपया, आपको कैशबैक आया, यानी आपको कैशबैक आया 500 रुपया। तो आपका 200 रुपए का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट को आप यहां पे क्रेडिट कार्ड से जब ट्रांसफर करोगे तो 150 रुपए आपको 10,000 के ऊपर लगेगा, यानी 150 आपके वहां पे चले गया क्रेडिट कार्ड से किया। अभी आपके पास कितना रहा? 50 रुपए। तो आपका 10,000 भी ट्रांसफर हो गए और 50 रुपए का फायदा भी हो गया, और बाकी के जो मैंने ऑफर्स आप लोगों को बताए थे वो भी यहाँ पे यूज हो गए। आप लोगों को यदि रिस्क लेना है तो ले सकते हो, बाकी के आप प्रीपेड कार्ड को यूज करके देख सकते हो, वहां पे आप यदि कर रहे हो तो आपको 200 रुपए का फायदा होगा और आपका क्रेडिट कार्ड पे बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। और इस तरीके से कर रहे हो तो यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा तो ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 50 रुपए का फायदा होगा। अभी डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा तरीका यूज करना है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।